सो हे गाइस एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। मैं हूं गौरव और एक नए दिन, और आज जो है मैं कह रहा हूं बिहार को बाय बाय। तो एक्चुअली कल हम राजगीर आए थे, हमने बस एक दिन का यहां स्टे लिया। मेरा प्लान ये था कि राजगीर को थोड़ा एक्सप्लोर कर लेंगे, जो यहां पे ग्लास ब्रिज है और सस्पेंशन ब्रिज है एंड नेचर पार्क है। लेकिन कल जो क्राउड देखा मैंने, एंड लास्ट वाले व्लॉग में आपने भी देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा क्राउड था। और मैंने आपको बताया भी था कि मुझे ज़्यादा क्राउड में घूमना उतना पसंद नहीं है। सो कुछ चीज़ें बाकी छोड़ देते हैं ताकि जब दोबारा आने का मौका मिलेगा तो वो चीज़ों को कवर करेंगे। तो इस कारण से बोध गया तो हमने पूरा कवर कर लिया, बट इन राजगीर को जो है वो मैंने ग्लव्स डाला नहीं है, मुझे ध्यान आया ग्लव्स आगे पहनते हैं। तो राजगीर को बाकी छोड़ देते हैं, जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो राजगीर को एक्सप्लोर करेंगे। बाकी आप जब भी राजगीर आना, घूमने के यहाँ बहुत सारे जगह हैं, आप इंजॉय कर सकते हो। ठीक है, जिप लाइन है, रोप वे है, तो आप एडवेंचर भी थोड़ा एडवेंचर का भी मज़ा ले सकते हो। और अपने फ्रेंड फैमिली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड साथ आ रहे हो तो भाई आप ज़्यादा इंजॉय करोगे। सिंगल मेरी तरह अगर हो तो फिर आप क्या ही कर लोगे, राइट? तो इसी कारण से मैंने भी सोचा कि चलो इस जर्नी को यहीं पर आज रोका जाए एंड वापस निकला जाए अब जमशेदपुर के लिए। जब दोबारा फिर आने का मौका मिलेगा इधर तो देन इन बाकी चीज़ों को हम करेंगे कवर, लेकिन पहले मैं साइड करके ना ग्लव्स पहन लेता हूँ। तो यहाँ पे राजगीर मल मास मेला, यहाँ कुछ मेला वाला लगा हुआ है गाइस, इस कारण से बहुत ज़्यादा क्राउड है। कल मैंने पूछा और अभी होर्डिंग वगैरह भी लगा हुआ है, तो इस कारण से भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे भीड़ पे ना घूम पाना थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है। और अभी देख लो सुबह के 6 बज रहे हैं, राइट? एंड 6 बजे जो है ये हाल है, तो आप इमेजिन करो। एंड ये वाला ग्लव्स थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है ऐसा, देखते हैं। तो जब सुबह 6 बजे ये हाल है तो आप इमेजिन करो कि क्या हाल होगा 8-9 बजते बजते। तो ऐसे में आप क्या ही घूम ले हुए। ग्लास ब्रिज पे भी क्या है ना कि लिमिटेड टिकट है। सस्पेंशन ब्रिज का भी टिकट जो है लिमिटेड है, तो सस्पेंशन ब्रिज का तो नहीं पता बट ग्लास ब्रिज का टिकट जो है लिमिटेड है। यहाँ लग रहा है लोगों को ना कि रास्ता से जो बाइक है ना या गाड़ी है वो जाएगा ही नहीं, इसलिए सारे लोग जो हैं सड़क पर ही हैं। तो ये जो रूट हमने इस बार लिया है ना, ये लिया है नवादा, यानी कि जो रूट से हम आए थे, यानी कि बौध गया वाला रूट, हम जमशेदपुर से हमने जो रूट लिया था वो बौध गया वाला लिया था। तो अभी जो रूट हम ले रहे हैं वापस से जमशेदपुर जाने के लिए, वो बौध गया वाला ना लेके हम नवादा वाला ले रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी बौध गया से हम लगभग 80 किलोमीटर इधर आ चुके हैं। तो वापस से 80 किलोमीटर जाना है एंड फिर वहाँ से 340 किलोमीटर, तो 400 किलोमीटर प्लस हो जाएगा। एंड ये वाला जो रूट है नवादा होते हुए, ये रूट मैंने देखा भी नहीं है कैसा है क्या है, तो एक वो भी पता चल जाएगा कि इस वाला रूट का क्या हिसाब किताब है, क्या हाल चाल है। तो देखो भाई ये नेचर पार्क है ना, ये राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी है, तो आपको इधर ही देखने को मिल जाएगा। यहाँ से टिकट विकट लेना पड़ता है, और अभी के टाइम पे तो भाई ऑनलाइन टिकट ही लेना ज़्यादा अच्छा है, ऑफलाइन तो मिलने से रहा। 150 रुपये लगते हैं टिकट के।
भैया गूगल मैप तो काम ही नहीं करने लगा। ये क्या हो गया, गलत रास्ते में आ गए क्या? ओ भाई क्या चेक करे, गूगल मैप तो कुछ अलग ही दिखा रहा है, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। ये कभी कभी गूगल भी ना समय से बाहर हो जाता है। यार यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना गूगल ने फंसा दिया है बहुत बुरी तरह से, पता नहीं कहाँ बीच में ला दिया कहीं से। वहाँ से एक पुल था, पुल को पार करने बोल रहा था सीधा कूद के, बोल रहा था सीधा कूद के पार कर जाओ पुल को। अरे भाई कूद के कैसे, वहाँ रास्ता ही नहीं है, कोई डाइवर्जन है ही नहीं, कहाँ से आदमी क्रॉस करे। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है कि पेट्रोल सिर्फ 2 कांटा यहाँ पर। अब ये साला कितना अंदर अंदर तक ले जा रहा है पता नहीं। अरे भैया यहाँ पे 1 किलोमीटर के बाद राइट टर्न लेना है, आसपास पता नहीं पेट्रोल पंप है कि नहीं है। पेट्रोल, अरे माँ कसम 86 किलोमीटर है यहाँ से। नहीं, पेट्रोल पंप नियर मी। तो मैंने अभी ये फैसला करा पहले कि सबसे पहले तो भाई टंकी फुल करवाएंगे, क्योंकि ये जो है ना मामला मुझे गूगल का लग रहा है ख़राब। तो हमने फिर से वही हाईवे पकड़ा अभी आगे पेट्रोल भरवाने के लिए, एंड वहाँ पर इंडियन ऑयल का पेट्रोल पम्प दिख रहा है। तो पहले तो टंकी करवाते हैं फुल, एंड उसके बाद देखते हैं वापस इस रूट से आना है या फिर इधर से हाईवे होते हुए ही कोई रास्ता। देखो भाई ये कौन बैठा हुआ है, देख रहे हो, अगर इसने काट दिया ना तो ये गाड़ी चलाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। मैंने जो दिखाया था ना आपको एक बी मधुमक्खी, बेसिकली वो नहीं है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट वो पीला कलर का होता है, और जो मैंने मेरा टैंक बैग पे बैठा हुआ था मैंने वो दिखाया था आपको, तो वो बहुत ज़ोरदार काटता है, बहुत ज़ोरदार काटता है, मतलब जिस तरह मधुमक्खी काटता है ना आई थिंक उसका डबल जो है ना वो ख़तरनाक होता है। तो हाईवे पे चल रहा था, पेट्रोल फिल करवा लिया, वैसे पेट्रोल भरवाने के बाद अचानक से मतलब मेरा भी गाड़ी 75-80 था और उड़ते हुए आया, ठीक है, और सडनली मतलब कहीं नहीं, पूरा बॉडी तो कवर है लेकिन बस गर्दन जो था, नेक था, नेक के नीचे वाला जो बोन होता है ना, कॉलर बोन आई थिंक बोलते हैं उसको, तो वहाँ पर आके टक से टकराया, एकदम जोड़ का टकराया। मुझे लगा भाई छेद कर दिया, मुझे लगा नहीं उतना तेजी से आया ना, तो मुझे लगा कोई पत्थर वत्थर उड़ के आया है क्या। तो भाई बहुत भयंकर लहर रहा है एक्चुअली वहाँ पे, अभी मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि क्या है एग्जैक्टली, वो पत्थर ही लगा है कि, लेकिन मेरे को थोड़ा सा जिस तरह से फील हुआ ना, मेरे को लगा कि उसी ने आया टकरा गया अचानक से, और टकराने अगर नहीं आया तो उसका डंक लग गया चाहे कुछ भी लग गया, लेकिन बहुत ही भयंकर वो लहर रहा इस वक्त। और सामने में एकदम अभी तो बोलो पेड़ आ गया नहीं तो, इस वक्त जो सन है ना वो जस्ट मेरे सर के सामने है, और इस कारण से थोड़ा गाड़ी चलाने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। आज थोड़ा सा परेशानी के साथ निकला हूँ लग रहा है, आज ऐसा लग रहा है कि हर जगह ना यही रास्ता, ये इसी तरह से आज लग रहा है जमशेदपुर पहुँचने वाला हूँ, गली गली खेतों खेत के बीच से पता नहीं कहाँ कहाँ से होके। अब तो इस हाथ में ग्लव्स भी नहीं पहन रखा है, बार बार मैप चेक करना पड़ रहा है, भरोसा नहीं हो रहा कि सही जगह जा रहा हूँ कि नहीं। ये क्या है, ए यार आगे रास्ता ही नहीं है, बताओ। भाई आज तो बढ़िया फंसाया गूगल ने तो आज। अब पता नहीं फिर आगे क्या मिलेगा। तो अभी अगर आप देखो ना तो ये पूरी तरह से लाल हो चुका है यहाँ पे, ये काफ़ी ज़्यादा जलन हो रहा है, एंड आई होप कि किसी ख़तरनाक चीज़ ने नहीं काटा होगा। ए बाबा, सो फाइनली NH-20 यानी कि जो हाईवे है वो हमें मिल गया, घूमते घूमते खेतों के बीच से जाते जाते कहाँ कहाँ से पता नहीं कौन कौन सा गांव हो कर हम आए, और फाइनली मुझे जो है NH-20 यहाँ मिल चुका है। सामने पहाड़ का व्यू अच्छा आ रहा है, धूप है फिलहाल, आज बारिश का तो अभी तक तो कोई सीन नहीं दिखा, बादल वगैरह कुछ वैसा, हो सकता है आगे टाइम मिले, बट मैं चाह रहा हूँ कि जितना उधर टाइम मतलब उधर चला गया वो कम से कम कुछ मेकअप कर लूँ, तो इसलिए फ़िलहाल फोकस करते हैं राइड पे, जितना जल्दी हो सके डिस्टेंस कवर कर लें,
अभी लगभग 55 किलोमीटर है, इसी एनएच पे रहना है हमें। तो अभी कोशिश करते हैं कि ये एनएच ठीक ठाक है, बस थोड़ा ऊपर नीचे पता नहीं चल रहा होगा आपको, लेकिन हल्का सा पूरा प्लेन नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ काफ़ी अच्छा है। तो अभी क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी डिस्टेंस कोशिश करते हैं कि सेफली कवर करते हैं। एंड सामने आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत सा मतलब पहाड़ लग रहा है, ये पीछे एक बस वाला है, बस वाले क्रॉस करना है अगर। बड़ा जबरदस्त घाटी है, टर्न है ना यहाँ से बहुत ज्यादा कर्वी एंड सॉलिड टर्न है। सो वेरी केयरफुल। तो ये है बॉर्डर, आप देख सकते हो इस तरफ बिहार है एंड यहाँ से शुरू होता है झारखंड राज्य में आपका स्वागत है। रांची यहाँ से है 179 किलोमीटर, तो अभी काफ़ी दूर है। रांची 179 किलोमीटर है, देन वहाँ से फिर 100 लगभग 120 किलोमीटर वहाँ से आई थिंक है जमशेदपुर का डिस्टेंस भी। तो अभी तो बहुत लंबा सफ़र तय करना है, बहुत घुस गया, पूरा अंदर ही घुसा दिया इसने तो। यहाँ भी एक्सीडेंट, यानी कि दो इस घाटी में अभी तक दो ट्रकों ने तो घुसेड़ ही दिया पूरी तरह से। तो अभी भी हम घाटी में ही हैं, घाटी कंटिन्यू चल रहा है एकदम भयंकर तरीके से। ओके
यही है क्या, नजर ही नहीं आ रहा। कसम से ट्रक वाले ना बिल्कुल छोटे गाड़ियों को एकदम देखते ही नहीं है। उस ट्रक वाले ने पूरा काट दिया, उसने अपना मिरर का यूज़ ही नहीं किया कि मेरे राइट से भी गाड़ी हो सकता है मेरे को ओवरटेक कर रहा होगा। टू डेंजरस घाटी ब्रो, टू डेंजरस। पीछे से भी बड़े ट्रक हैं, आगे से भी बड़े ट्रक हैं, ओवरटेक करने में भी मुसीबत है। सो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के जो है ना चलाना पड़ रहा है। घाटी निकल जाए तो अच्छा रहेगा। कुछ ज़्यादा ही कंसंट्रेशन करके राइड करना पड़ रहा है यहाँ। मेन क्या है ना, आप ट्रक वाले को ओवरटेक करोगे बिना तो बीच में ज़्यादा गैप नहीं है कि आप इनके से, अगर सामने से कोई गाड़ी आ रहा होगा तो देन आप वहाँ पे गैप में घुस जाओगे। ट्रक वालों ने उतना गैप छोड़ रखा है ही नहीं। मेन प्रॉब्लम क्या है ना ये है, जा सकते हैं यहाँ से तो खत्म हुआ क्या? शायद घाटी खत्म हो गया है। हो बाप रे, बहुत डेंजरस घाटी था यार ये तो, मतलब काफी टफ घाटी था ये तो। एक और एक्सीडेंट, और भाई साहब इसका तो स्थिति खराब हो गया। ये भी हाल ही फिलहाल में हुआ है। अभी लगभग मैंने यहाँ पे 3 तो रिकॉर्डिंग में दिखा दिया आपको, एंड एक मैंने देखा 4 देख चुका हूँ। भाई ख़तरनाक है ये जो पूरा रूट है ना। एक्चुअली ये घाटी ही है, ये रोड तो अच्छा है लेकिन पूरा रूट घाटी है ये। कहीं पर भी आप ना थोड़ा सा भी अगर कंसंट्रेशन वीक हुआ आपका तो भाई मुसीबत है फिर। सो दोस्तों, इस वक्त हम लोग कोडरमा क्रॉस कर रहे हैं और ये पता नहीं कौन सा नदी तालाब है, पता नहीं क्या है। हालत ख़राब हो गया है सलाश तो। ये है तिलैया डैम। ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे क्योंकि जब भी कोई ट्रक पार हो रहा है ना तो पूरा पुल हिल जा रहा है। सो ऐसा करते हैं कि अब निकलते हैं यार, बहुत हालत ख़राब है आज ना। एक्चुअली पूरा टाइम ना गाड़ी बस घाटी में ही चलता रह गया। हर जगह वहाँ से जो घाटी मिलना शुरू हुआ, घाटी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, घाटी ही चल रहा है बस। 8:45 हो रहा है, 9 बजे का तो कंटिन्यू 3 घंटा राइड किया, और 3 घंटा से अभी मैंने बस 2 मिनट भी नहीं हुआ, 2 मिनट के लिए बस मैंने बाइक से नीचे उतरा, गोप्रो का बैटरी चेंज करा क्योंकि बिना बोले और बोरिंग लग रहा था गाड़ी चलाना। तो मैंने बोला गोप्रो का बैटरी लगा लेता हूँ, बोलता रहूँगा थोड़ा ध्यान लगा रहेगा, मन लगा रहेगा, नहीं बोलूँगा तो और बेकार लगेगा, भले ही बाद में ज़्यादा बोल दूंगा तो कट कर दूंगा उसको, चलेगा, बट बोलना ज़रूरी था। तो भैया जमशेदपुर अभी 251 किलोमीटर है भाई यहाँ। नहीं भी तो मैंने अभी तक कम से कम गाड़ी चला लिया 130 किलोमीटर मैंने गाड़ी कवर किया चला लिया है, उसके बावजूद भी जमशेदपुर दिखा रहा है 251 किलोमीटर भाई साहब। सो मेरे भाइयों, अपडेट कुछ ऐसा है कि गाड़ी नॉन स्टॉप चल रहा है आज, नॉन स्टॉप। एक्चुअली मैं अपना कैपेबिलिटी बिल्ड करना चाह रहा हूँ नॉन स्टॉप चला के, कि थोड़ा हैबिट हो, थोड़ा बिल्ड हो, भले ही थाई जरूरत करे। अभी सच बताऊँ तो थाई जो है ना, थाई का लग रहा है कि थाई मसाज चाहिए, अब थाई को थाई मसाज कराना पड़ेगा। एंड आगे मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इवन हम उस एरिया में प्रवेश कर चुके हैं जहाँ से बादल ही बादल एंड कुछ बूंदा बूंदी मेरे हेलमेट के वाइज़र में मेरे को नज़र आ रही है।
तो अभी तक यही बस कमी था एक बारिश का, जो कि अब ये भी होने वाला है। तो मतलब आज सब कुछ ऑलमोस्ट हो ही गया है। तो भाई ठीक है, बारिश भी झेल लिया जाएगा। फिलहाल अभी जो है 170 किलोमीटर अभी और कवर करना है अपने को, 170 किलोमीटर। तो अभी तक हमने नॉन स्टॉप राइड कर लिया है यहाँ पे 220 से 225 किलोमीटर का, ये नॉन स्टॉप राइड है। आपके इस बाइक का हालत तो पंचर हो गया है, लेकिन काफ़ी बढ़िया मैंने किया आज परफॉर्मेंस। मतलब बैंड तो बच चुका है, सच बता रहा हूँ, लेकिन ना अपडेट ये है कि अभी हमने कवर कर लिया है, मतलब ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। रांची से हम कर रहे हैं यहाँ से क्रॉस, और बच गए हैं और 94 किलोमीटर। बहुत ज़्यादा दिमाग थोड़ा सा ख़राब हो गया क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया, और रांची के अंदर से होकर हम आ रहे हैं, तो रांची के अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, थोड़ा जाम रहता है, इस कारण से और ज़्यादा लेट हो गया। मैंने ध्यान नहीं दिया, जिस रूट से मैं आया था एक्चुअली उसी रूट को अगर मैंने ले लिया होता तो शायद अभी काफ़ी हद तक क्लोज रहता। बट ठीक है, और इस पूरे आज के इस राइड है, मुझे लगता है कि 400 किलोमीटर प्लस राइड हो गया है, इजली हो गया है, क्योंकि ट्रिप ये बिहार वाला ही सेट है, तो वही ट्रिप कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से 400 किलोमीटर का आज राइड हो गया, और इस पूरे 400 किलोमीटर को मैंने कवर करा अभी तक के हिसाब से। 6 बजे मैं निकला था वहाँ होटल से, एंड अभी 12 बज रहे हैं, यानी 6 घंटा हुआ है, और अभी मुझे और कवर करना है यहाँ से 90 किलोमीटर। बीच में बस मैंने एक ब्रेक लिया, तो एक्चुअली मैं अपना कैपेबिलिटी देखना चाहता था कि कितना कैपेबल हूँ, कैपेबिलिटी मेरी कितनी, कितना पेशेंस रख सकता हूँ लंबे राइड के लिए। सो गाइस, फाइनली फाइनली बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब करने के बाद जमशेदपुर में इन कर गए, और अब तो बस लग रहा है ना कि कपड़ा वपड़ा खोलें, कब पहुँचे वाला फीलिंग आ गया है। भूख बहुत तेज़ लग गया है, एंड घर जाने का बिल्कुल अभी मन नहीं है। पहले जाना होगा ऑफिस, क्योंकि सारा रखना होगा सामान, ये सब कुछ लेके घर नहीं जा सकते। इधर पूरा कीचड़ ने बारिश दबा के हुआ है। ना उंगली काम कर रहा है, ना थाई काम कर रहा है, सबसे ज्यादा तो सर नेक, क्योंकि एयर प्रेशर के कारण जो है ना नेक, गर्दन का हाल जो है ना वो बुरा है। अरे बाप रे, ओह फाइनली पहुंच गया। जय श्री राम।